गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग थोड़ा सा एक्चुअल में जो वेव्स है उसके कुछ टॉपिक्स कुछ चीज़ें ऐसे ब्रीफ करेंगे जिससे क्वेश्चन आसानी हिसाब से हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जैसे स्टैंडिंग, देखो स्टैंडिंग वेव की हम बात कर रहे हैं, पहले ध्यान देना स्टैंडिंग वेव। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है स्टैंडिंग वेव पे ही बनते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन जनरली लिखा जाता है वो लिखा जाता है 2a sin kx cos ωt। मैं एक चीज़ बता दूँ कि साइन के एक्स की जगह कॉस के एक्स भी हो सकता था और कॉस ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी भी कुछ भी हो सकता था, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं as cos ωt। जहाँ पे as क्या है बेटा, as है स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड। मैं as लिखता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है, 2a sin kx। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, वेरिएबल वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, जबकि ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है बेटा, वो ट्रैवलिंग वेव क्या होता है, कांस्टेंट होता है एम्पलीट्यूड, जबकि इसमें क्या है, वेरिएबल है। तो अगर हम स्टैंडिंग वेव बनाएं, ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव मान लो बेटा ऐसे, मतलब ये ट्रैवलिंग वेव कोई प्लस एक्स में जा रही थी, ठीक है, उधर से कोई माइनस एक्स में आ रही थी, उसे मैं डॉटेड से दिखाता हूँ, थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं बन पाया लेकिन चलिए, डॉटेड वाला उधर से आ रही है और सॉलिड वाली इधर से जा रही है, दोनों सुपर इम्पोज किए, जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो। देखो एक्चुअल में फाइनल कंस्ट्रक्शन ऐसा बनता है, ये मतलब ये क्या होता है ना कि वेव्स ऐसे, मतलब पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपने पोजीशन पे ही, ठीक है, ऐसे, मतलब ये हमारा पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है। तो ध्यान दोगे कि ये पॉइंट और इसका पॉइंट एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा। तो ऐसे पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड जीरो हो उसे नोड बोलते हैं, एन फॉर नोड। ठीक है, और वो पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, मतलब मैक्सिमम हो, उसे बोलते हैं एंटी नोड। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया ए। ठीक है, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि ए एस जो है, ए एस की मिनिमम वैल्यू अगर आप सोचिए कितना, देखो टू ए, देखो ए पहले मैं लिख देता, ए एस कितना है, 2a sin kx, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। हाँ, ये किसके लिए, नोड के लिए। और ए एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये 2a होगी, किसके लिए, एंटी नोड के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते थे कि फॉर नोड्स पोजीशन, मतलब नोड्स की पोजीशन के लिए अगर हम देखें तो कुछ नहीं करना हमें, बस क्या करना है, जो ए एस है इसे ज़ीरो कर दो। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 2a sin kx ज़ीरो कर दिया, तो यहाँ पर 2a तो जीरो होगा ना, sin kx ज़ीरो, मतलब के एक्स जो है, दिस इम्प्लाइज दैट के एक्स कितना हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा पाई का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब एन पाई, यहाँ पे एन ज़ीरो, यानी देखो क्या होता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, साइन पाई भी ज़ीरो होता है, साइन 3 पाई भी ज़ीरो होता है, साइन 4 पाई, एस एंड सो ऑन। यहाँ पे एन क्या होगा, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम के की वैल्यू रखें कि ये होता है वेव नंबर 2π/λ इंटू एक्स बराबर कितना बेटा, एन पाई। तो यहाँ से देखो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया पाई पाई कट जाएगा बेटा, तो आ जाएगा n λ/2, इतना आ जाएगा, जहाँ पे एन कितना है बेटा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया जब एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आ गया। देखो यहाँ से हम पोजीशन देख रहे हैं और नोड की पोजीशन देखनी थी, तो एक तो नोड इस इक्वेशन के हिसाब से एक नोड कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया। अगला नोड कहाँ पे होगा, एन की वैल्यू 1 रखो, λ/2 पे,
तो देखो यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगी वो लैम्डा बाई टू होगी। हाँ एक चीज़ और बता दूँ बेटा, देखना ये कंप्लीट वेव जो होती है इसकी लेंथ जो होती है वो लैम्डा होती है, ठीक है। तो यहाँ से हाफ वेव कितना हो गया लैम्डा बाई टू, ये भी कितना हो गया लैम्डा बाई टू, यानी कह सकते थे दो सक्सेसिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई टू होगी, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई टू होगी, दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा बाई टू ही होगी। तो देखो अगर इसे जीरो मानना है, जीरो पे नोड मिला तो अगला नोड कहाँ पे मिल रहा है लैम्डा बाई टू पे, तो यहाँ से लैम्डा बाई टू हो गया। फिर और अगला रखोगे तो थ्री लैम्डा बाई टू पे, देखो तो ये लैम्डा हो गया, अगला डेढ़ आधा लैम्डा और, तो वहाँ पे नोट्स मिलेगा, ठीक है बेटा। ये नोट्स की पोजीशन, मतलब ऐसे इस इक्वेशन से हम नोट की पोजीशन देख सकते थे। वैसे ही हम कह सकते थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एंटी नोट्स, एंटी नोट्स के लिए बात करें तो आप क्या करिए ना, टू ए साइन के एक्स को मैक्सिमम कर दो। मैक्सिमम मतलब कितना, टू ए, देखो मैंने लिखा भी है कि मैक्सिमम कितना, टू ए किसके लिए, एंटी नोट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से के एक्स कितना आ जाएगा, इसके लिए याद रख लेना कि के एक्स जो होता है वो पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, यानी कह सकते थे कि टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू जो होगा ये होना चाहिए। अच्छा यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव से मतलब मत सोचना कि सर थ्री पाई बाई टू पर तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से नहीं, एम्पलीट्यूड तो टू ही होगा, इसके मॉड की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब फिर से वही के की वैल्यू हम कितना रख देते हैं, टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। तो यहाँ से तो एक्स कितना आ जाएगा बेटा, एक्स आ जाएगा पाई, पाई कट जाएगा तो आ जाएगा टू एन प्लस वन इंटू लेमडा बाई फोर, ये आ जाएगा। जहाँ पे एन क्या है वहीं फिर से जीरो वन टू थ्री एंड सो। तो यहाँ से आप फिर से आप पुट करेंगे तो जो पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स मिलेगा, एन की वैल्यू जीरो पुट किए तो लैम्डा बाई फोर मिला। देखो यहाँ से एंटी नोड, देखो यानी कि नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये डिस्टेंस वो लैम्डा बाई फोर हो जाएगी। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस ये कितनी, जब ये लैम्डा बाई फोर टू है तो ये कितना लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर हो गया पोजीशन। अगली पोजीशन क्या आएगी, ये आएगी, ये कितना आएगा लैम्डा बाई टू और प्लस लैम्डा बाई फोर, कितना थ्री लैम्डा बाई फोर, और एन की वैल्यू वन पुट करो, टू इंटू वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री लैम्डा बाई फोर। तो इक्वेशन पे से भी आ रहा है और डायग्राम से भी आ जा रहा है। तो ये चीज़ इसलिए बता रहा था कि हाँ भाई चाहे स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दिखे, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन नैन्सी ने पूछा भी था तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, इसे आप नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, मैंने कहा कोई भी स्टैंडिंग, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सॉरी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर हमने कहा कि मान लो 7 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 35 हर्ट्ज एंड सो ऑन, जो भी 40 हर्ट्ज, इस तरह की फ्रिक्वेंसीज प्ले कर सकता है या कर रहा है, तो जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी, दिस इज व्हाट, मिनिमम फ्रिक्वेंसी। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी प्ले कर सकता है दैट इज नोन एज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, इसे एफ नोट से डिनोट करते हैं। अब समझना जो, अच्छा ये सारी फ्रिक्वेंसी कैसे है, कोई इंस्ट्रूमेंट जितनी फ्रिक्वेंसीज प्ले कर सकता है उसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब सारी फ्रिक्वेंसी जब रख दिया तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ये हो गया। अब इस फ्रिक्वेंसी से इंक्रीजिंग ऑर्डर में फंडामेंटल के जस्ट अगली वाली फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, फर्स्ट ओवर टोन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड ओवर टोन, ये क्या हो जाएगा, थर्ड
ओवर टोन, ये क्या हो जाएगा फोर्थ ओवर टोन, ये क्या हो जाएगा फिफ्थ ओवर टोन। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब मैं ओवर टोन बता रहा था तो मैंने ये चेक नहीं किया कि फ्रिक्वेंसी कितनी थी, बस असेंडिंग ऑर्डर में रखिए और जस्ट अगला वाला उसका ओवर टोन हो जाएगा। यानी फंडामेंटल तो फंडामेंटल बेसिक हो गया, जीरो तो ओवर टोन कह लो, या तो मतलब ऐसा टर्म नहीं यूज़ करते लेकिन बोल रहा हूँ मैं, तो जस्ट अगला वाला फर्स्ट ओवर टोन, ओवर टोन। इसलिए पहला ओवर टोन फंडामेंटल के जस्ट बाद वाला, सेकंड ओवर टोन दो बाद वाला, थर्ड ओवर टोन, फिर फोर्थ ओवर टोन, फिर फिफ्थ ओवर टोन, ठीक है। फिर एक अगर मैंने कहा इफ किसी फ्रिक्वेंसी को आप एन इंटू एफ नॉट के टर्म में लिख सकते हैं, किसके एन इंटू एफ नॉट के टर्म में लिख सकते हैं, तो जो ये होगा वो एनथ हार्मोनिक हो जाएगा। यानी किसी भी फ्रिक्वेंसी को अगर आप फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जिस वाले मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसे वो वाला हार्मोनिक बोलेंगे। जैसे n इंटू एफ नॉट है तो nth हार्मोनिक, एफ नॉट का यहाँ पे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, जैसे सेवन्थ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है तो 10 देखिए सेवन्थ का कोई टाइम्स नहीं है, इसलिए कोई हार्मोनिक। एक चीज़ बता दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, फंडामेंटल का ही हमेशा बनता है कोई टाइम्स, यानी हार्मोनिक्स तो होगा ही होगा, लेकिन मैं एग्जांपल समझा रहा था कि ओवरटोन और हार्मोनिक्स में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे टर्म्स ले लिए वैल्यू, ठीक है। तो हमने कहा सेवन्थ अगर फंडामेंटल है तो जस्ट 14 देखिए सेवन्थ का टाइम्स है कितना, टू टाइम्स है, तो सेवन टू जा 14, यानी टू टाइम्स, यानी सेकेंड हार्मोनिक, तो ये क्या होगा बेटा, ये सेकेंड हार्मोनिक होगा, ठीक है। ऐसे देखो 20 कोई टाइम्स नहीं तो रहन दो, 35 फाइव टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है। ऐसे 40 कोई टाइम्स नहीं है तो ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे समझ में आएगा कि हार्मोनिक क्या होता है और ओवरटोन क्या होता है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओवरटोन जस्ट अगला वाला और हार्मोनिक मतलब कितने टाइम्स है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, मिटाता हूँ। ठीक है बेटा, देखिए तो अब मैं बात करूँ स्टैंडिंग वेव में ही, एक तो वेव्स ऑन स्टैंडिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग देखते हैं, स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, यानी दोनों एंड्स पे अगर फिक्स्ड हो, ठीक है, तो कैसा बनेगा, देखो ऐसे ये है, अच्छा एक चीज समझ लेना, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में मिनिमम पॉसिबल लूप बनते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फंडामेंटल मोड में मिनिमम पॉसिबल लूप बनते हैं। एक और चीज, कम से कम आधा लूप जरूर बनेगा, यानी एक एंटी नोड और एक नोड का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी फिक्स्ड एंड है और ये भी फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड का जो वाइब्रेशन होगा वो जीरो होगा, यानी ये कैसे बिहेव करेगा नोड की तरह, ये भी कैसा बिहेव करेगा नोड की तरह, एटलीस्ट एक एंटी नोड जरूर चाहिए, वो बीच में बना दो मान लो, तो ये कैसा बनता, ये इस तरह बन जाता एक कंप्लीट लूप। अच्छा इस लूप की मतलब नोट और नोट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती बेटा, लैम्डा बाई टू, और ये कितना है मान लो ये लेंथ एल है, तो यहां से लैम्डा कितना आ गया 2L। अब हमें पता है कि जो v बराबर होता है वो कितना होता है एफ लैम्डा, तो यहां से f बराबर क्या आ गया v बाई लैम्डा, तो यहां से फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, क्योंकि फंडामेंटल मोड बनाया है, ध्यान देना ये क्या बेटा फंडामेंटल मोड, हमने मिनिमम लूप बनाया, ठीक है। तो f नॉट कितना हो जाएगा v स्पीड, और बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी 2L।
इसी वी को स्ट्रिंग की स्पीड जो मतलब सॉरी वेव स्पीड ऑफ वेव जो स्ट्रिंग में होता है वो कितना होता है रूट टी बाई म्यू। तो इसी को लिख देते हैं कई बार कि 1/2L और रूट टी म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो ये भी लिखा हुआ मिलता है, हम V/2L ही बोलेंगे, हम V की वैल्यू अलग से याद रख लेंगे, रूट टी बाई म्यू होता है। तो फंडामेंटल मोड में फ्रिक्वेंसी कितनी होगी बेटा V/12, दिस इज एफ नॉट। हम फर्स्ट मोड बनाते हैं, मतलब आप कह लीजिए कि मैं इसे लिखता हूं फर्स्ट ओवरटोन मोड। अब ध्यान देना, अब यही समझने वाली चीज है कि किसी भी मोड में जितने भी, हाँ ठीक है, किसी भी मोड में जितने भी लूप बन रहे हो हर अगले मोड में ऑलवेज एक लूप बढ़ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी मोड में कितने भी लूप बन रहे हो, मैंने कहा मान लीजिए किसी मोड में 10 लूप बन रहे हैं तो अगले मोड में 11 बन जाएगा, मतलब अगले ओवरटोन में, अगले ओवरटोन में 12 बन जाएगा, उसके अगले ओवरटोन में 13 बनेगा। मान लो किसी मोड में पर्टिकुलर 9.5 लूप बने, कितने 9.5, तो अगले मोड में एक जोड़ो 10.5 बनेगा, उसके अगले मोड में एक और जोड़ो 11.5 बनेगा। तो यहाँ फंडामेंटल मोड में कितने बन रहे हैं एक लूप, तो एक और जोड़ो कितना बनेगा 2 लूप। तो इस बार 2 लूप बना दीजिए, हाँ ठीक है। अब देखो ये क्या बेटा नोड, ये क्या नोड, ये भी क्या नोड, ये क्या होगा एंटी नोड, ये क्या होगा एंटी नोड, ये λ/2 और ये λ/2, टोटल लेंथ कितना हो गया लैम्डा और ये कितना होता है एल, तो एल बराबर लैम्डा। तो यहाँ से फर्स्ट ओवर टोन, यानी हम कह सकते थे फर्स्ट ओवर टोन को अगर मैं F1 बोलूँ तो F1 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखो V/λ, लैम्डा कितना एल, V/L हो गया। दिस कैन बी रिटन एज 2V/2L। अब ध्यान दो V/2L ये क्या था फंडामेंटल, तो कितना हो गया 2F0, 2F0 मतलब सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है ये क्लियर हुआ, दिस इज व्हाट सेकेंड हार्मोनिक, यानी ये चीज है ठीक है। अब मैं एक और हायर मोड बनाता हूँ, फिर एक ट्रिक दिखाता हूँ आपको। ये बना है, मैंने लिखा इसे सेकेंड ओवरटोन मोड, ठीक है बेटा। अब सेकेंड ओवरटोन देखो, फर्स्ट ओवरटोन में 2 लूप बनना, तो अगले मोड में क्या बनेगा 3, तो 3 लूप बना दीजिए इसमें, अब देखो फिर से वही नोड 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 एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। अब ध्यान दो यहाँ पे बेटा कि λ/2 λ/2 λ/2, टोटल कितना 3λ/2 बराबर कितना L, तो यहाँ से लेमडा बराबर कितना हो गया 2L/3। तो यहाँ से सेकेंड ओवर टोन की फ्रिक्वेंसी F2 होगी, तो कितनी होगी V/λ, सॉरी V/λ था ये सॉरी, और V/λ, लेमडा की वैल्यू कितनी 2L/3, तो कितना हो गया 3 × V/2L, दैट इज वॉट 3F0, दैट इज वॉट थर्ड हार्मोनिक। तो देखिए फंडामेंटल का थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ये है कि फंडामेंटल मोड में जितने लूप बन रहे होंगे किसी भी हार्मोनिक में उसके उतने टाइम्स लूप बनेंगे, यानी फंडामेंटल मोड में ध्यान दो कितने लूप बन रहे हैं एक लूप, तो सेकंड हार्मोनिक में 2 लूप बनेंगे, थर्ड हार्मोनिक में 3 लूप बनेंगे, 10th हार्मोनिक में 10 लूप बनेंगे, 50वें हार्मोनिक में 50 लूप बनेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई, किस केस में जब फिक्स्ड एट बोथ एंड्स होता है, तो फिक्स्ड एट बोथ एंड्स में फंडामेंटल मोड में एक लूप बनेंगे। फिर से क्लियर कर रहा हूँ, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स में फंडामेंटल मोड में एक लूप बनता है, और एक लूप बनता है तो हर बार एक एक लूप जोड़ते जाओ। तो इस केस में बोलते हैं कि ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट,
इसमें क्या होता है, सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सोचो फंडामेंटल मोड में एक लूप बना, उसके अगले मोड में दो लूप बना, तो सेकंड हार्मोनिक मोड हो गया, सेकंड हार्मोनिक हो गया। अगले मोड में तीन लूप बनेगा तो थर्ड हार्मोनिक बन गया बन गया। अगले मोड में चार लूप बनेगा तो फोर्थ हार्मोनिक बन गया। तो यानी सारे हार्मोनिक आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हार्मोनिक क्या होगा और ओवरटोन क्या होगा, मैं फिर से बोला, फंडामेंटल मोड का अगला मोड फर्स्ट ओवरटोन, अगला मोड सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। तो इसे बेटा नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ क्या करते हैं बेटा, हम फिक्स्ड एट वन एंड लेते हैं। तो रस्सी के केस में फिक्स्ड एट वन एंड का मतलब नहीं होगा, क्योंकि रस्सी तो नीचे झूल जाएगी, टेंशन भी नहीं आ पाएगा। तो हम सेकंड ले जो लेते हैं रॉड मान लेते हैं। तो रॉड क्या, रॉड फिक्स्ड एट वन एंड, रॉड फिक्स्ड एट वन एंड, ठीक है। रॉड है, देखो हम फंडामेंटल मोड में बनाते हैं, मतलब फंडामेंटल नहीं, रॉड बना दिया बेटा, ठीक है। अब ध्यान दो, एक एंड पे फिक्स्ड है, तो जहाँ फिक्स्ड है वहाँ क्या बनेगा, नोड। और जहाँ फिक्स्ड नहीं है, यहाँ मैक्सिमम वाइब्रेशन पॉसिबल है, यहाँ क्या बनेगा, एंटी नोड। मिनिमम लूप बनाना है, इसे नोड रखना, उसे एंटी नोड रखना है। एक आधा लूप, आधा लूप बना दो, हाफ लूप ऐसे ये बना दिए। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होता है बेटा, ये होता लैम्डा बाई फोर, तो यहाँ से लैम्डा कितना हो जाता, 4L। अच्छा, ये क्या है, ये फंडामेंटल मोड है, ठीक है। तो यहां पे आप कह सकते थे कि वही F बराबर क्या होता है, V बाई लेमडा। अच्छा, यहां फंडामेंटल मोड है इसलिए F नॉट लिख रहे हैं, और V बाई लेमडा, लेमडा कितना, 4L। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी बेटा, V बाई 4L, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ फर्स्ट ओवर टोन मोड, इसे लिखता हूँ मैं फर्स्ट ओवर टोन मोड। अब ध्यान दो, फंडामेंटल मोड में कितने लूप बनना है, आधा, एक आपको और जोड़ना है, कितना बनेगा, डेढ़। तो डेढ़ लूप बनाना है, ऐसे बनेगा, खुद सोचो, आधा लूप की जो चौड़ाई है, मतलब विड्थ है, और एक लूप की, एक लूप की डबल होगी ही होगी। अच्छा, ये देखो, ये क्या बनेगा, नोड, ये भी नोड। अच्छा, ये एंटी नोड, ये क्या बनेगा, एंटी नोड। अच्छा, ये लैम्डा बाई टू और ये लैम्डा बाई फोर, टोटल कितना हो गया, 3λ/4। ये कितना, एल, तो यहाँ से लैम्डा कितना हो गया, 4L/3। तो यहाँ से हम कह सकते थे फर्स्ट ओवर टोन F1 कितना होगा बेटा, V बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी, 4L/3, ठीक है। तो ये बराबर 3 टाइम्स ऑफ एफ नॉट होगा, यानी क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक। यानी आप ध्यान से देख सकते हैं कि सेकेंड हार्मोनिक गायब हो गया, क्यों, देखो फंडामेंटल मोड में आधा लूप बन रहा है, तो अगर फंडामेंटल मोड में आधा लूप बना तो एक लूप तो कभी बन ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि हर बार एक लूप और बनाना, तो ऑलरेडी पहले से आधा है, एक और बढ़ा तो डेढ़ होगा, एक और बढ़ा तो ढाई होगा। यानी इसका मतलब समझ में आ गया कि अब मैं अगला नहीं बनाने जा रहा, बस यही देख लो इसमें क्या लिखते हैं, कि इसमें ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसका रीजन क्या है, फंडामेंटल मोड में आधा लूप बना, अगले मोड में आधा में एक जोड़ो, डेढ़ डेढ़। अब देखो ध्यान से, फंडामेंटल में आधा बना और ये डेढ़ बना, तो डेढ़ जो है वो आधे का कितना गुना है, तीन गुना है, तो ये थर्ड हार्मोनिक हो गया। मैंने बोला भी था, फंडामेंटल मोड में जितने लूप बनते हैं किसी भी हार्मोनिक में, उस लूप के जितने टाइम्स लूप बनेंगे वो वाला हार्मोनिक हो जाएगा। यानी अगर इसमें आधा लूप बन रहा है, इसमें डेढ़ बन रहा है, तो थर्ड हार्मोनिक। अगर ढाई बनता तो पाँच गुना होता, तो फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है। तो देखो, इसलिए इसमें ये फंडामेंटल हो गया, फर्स्ट हार्मोनिक में, फर्स्ट ओवर टोन में डेढ़ बना तो तीन गुना है, थर्ड हार्मोनिक, अगले में बनेगा ढाई ढाई, यानी फिफ्थ हार्मोनिक। तो आप देखिए ध्यान से, यानी कि इवन हार्मोनिक्स गायब हो जाएंगे। तो ये केस हो गया किसके लिए, रॉड फिक्स्ड एट वन एंड पे, ठीक है बेटा, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, मान लो कई बार ये भी पूछ लेता है, नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एंटी नोड्स,
तो इसे समझना, जब कंप्लीट लूप बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, कंप्लीट लूप मतलब फिक्स्ड एट बोथ एंड्स में, तो अगर चार लूप बन रहा है तो चार लूप का मतलब पांच नोड और चार एंटी नोड, जितने लूप होंगे उतने नोड तो बनेगा, सॉरी जितने लूप होंगे उतने एंटी नोड तो बनेगा ही बनेगा, और नोड जो है वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है। खुद सोचो, मैं इसको भूल जाओ, बस इस लूप के लूप आधे एक लूप के बारे में सोचो, तो एक लूप में कितने, एक और एक दो नोड बन रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा नोड बन जाता है, दो लूप में तीन नोड बनेगा, और दो लूप में दो एंटी नोड तो होगा ही होगा, तो नंबर ऑफ लूप्स और नोड्स और एंटी नोड्स भी पूछ सकता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। फिर जानते बेटा, फिर स्टैंडिंग वे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑर्गन पाइप। जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑर्गन पाइप क्या होता है? देखो, ऑर्गन पाइप की बात करें तो सबसे पहले बनता है, ऑर्गन पाइप में सबसे पहले बनता है कि ओपन ऑर्गन पाइप लेते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप में अगर हम देखें तो बोथ साइड ओपन, बोथ साइड ओपन को हम ओपन ऑर्गन पाइप बोलते हैं। मैं लिख देता हूं बोथ साइड ओपन, बोथ साइड ओपन को। अच्छा, ओपन एंड जो है वहां क्या बनेगा, एंटी नोड, क्योंकि मैक्सिमम वाइब्रेशन पॉसिबल है। यहां भी एंटी नोड, देखो ध्यान से, यहां क्या बनेगा, एंटी नोड, यहां भी क्या बनेगा, एंटी नोड। तो अच्छा, एटलीस्ट एक नोड जरूर होना चाहिए, तो वो ठीक बीच में हो जाएगा, तो ऐसे बनेगा इस केस में। तो ध्यान देना, इस बार जो बन रहा है, देखो लूप तो टोटल एक ही बन रहा है, लेकिन इस बार जो है दो एंटी नोड बन रहा है, एक नोड बन रहा है, इस वाले क्लिप में क्लियर रहना। फिक्स्ड एट बोथ एंड अगर स्ट्रिंग वाला केस है तो उसमें एक कंप्लीट लूप बनता है, तो दो नोड एक एंटी नोड बनते हैं, जबकि ऑर्गन पाइप में क्या होता है, एक कंप्लीट लूप बनता है, आधा इधर आधा उधर, तो दो एंटी नोड और एक नोड बनता है। इस लेंथ को, ये लेंथ कितना होता है बेटा, लैम्डा बाई टू, बताया था नोड एंटी नोड और एंटी नोड सक्सेसिव एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, बराबर कितना, एल। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, टू एल। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, अच्छा ये है क्या फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड, तो एफ नॉट कितना हो जाता है बेटा, वी बाई लैम्डा, लैम्डा कितना, टू एल। हाँ, तो यही हो जाएगा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मैं बता दूं ये एग्जैक्टली फिक्स्ड एट बोथ एंड वाली स्ट्रिंग का ही केस है। ठीक है, मैं फर्स्ट ओवर टोन मोड की बात करूं, फर्स्ट ओवर टोन मोड, फर्स्ट ओवर टोन मोड मतलब ये वाला उसका केस हो गया। फर्स्ट ओवर टोन मोड में पहले में कितना बनना है, एक लूप, तो अगले में एक और बढ़ा, दो लूप, दो लूप बनाना है बेटा, तो ये ऐसे बनेंगे, देखो ये। ठीक है, देखो एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड। अच्छा देखो, ये लैम्डा बाई टू, ये लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, टोटल कितना हो जाता, लैम्डा, बराबर कितना, एल। तो फर्स्ट ओवर टोन एफ वन कितना हो जाता, वी बाई लैम्डा यानी एल, कितना हो गया, टू वी बाई टू एल, यानी कितना, टू एफ नॉट, टू एफ नॉट, यानी कितना हो गया, सेकेंड हार्मोनिक। मैंने ये चीज़ बताई भी थी कि फंडामेंटल मोड में जितने लूप बने उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि सारे हार्मोनिक प्रेजेंट हैं कि नहीं। फंडामेंटल मोड में एक लूप बने, सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट, क्योंकि एक लूप है तो दो लूप भी बनेगा, तीन लूप भी बनेगा, चार लूप भी बनेगा। अच्छा, एक लूप बना तो इसमें कितना बनेगा, दो लूप, दो लूप क्या हो गया, सेकंड हार्मोनिक। देखो सेकंड हार्मोनिक आ रहा है, यानी फर्स्ट ओवर टोन क्या हुआ यहाँ पे, सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, तो इसे क्या कह सकते थे, ये मैं लिख देता हूँ लाइक स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, उसी की तरह होगा।
ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप ये चीज़, ठीक है। इसमें भी वही होगा, सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, मैं वो चीज़ लिखने नहीं जा रहा हूँ, एकदम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स की तरह, वी बाई टू एल फंडामेंटल हो गया और सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट, ठीक है। अब मैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बनाता हूँ, अब बताना नहीं पड़ेगा, आप वहीं से समझ जाएंगे सिर्फ देखते ही। दूसरा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या हो जाएगा, वन साइड क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसे बना दिए, फिर से ये क्लोज्ड एंड कैसा बिहेव करेगा, नोड की तरह, और ये एंटी नोड की तरह, तो ऐसे बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 4 बराबर एल, तो लैम्डा कितना हो गया 4L। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी F नॉट कितना हो जाएगा V बाई लेमडा, लेमडा कितना 4L, ये बताया भी था। ये किसकी तरह होगा, लाइक रॉड फिक्स्ड एट वन एंड, ठीक है। तो इसमें देखो फंडामेंटल में हाफ लूप बना, तो अगले मोड में टेढ़ लूप, फंडामेंटल में आधा बना तो डेढ़, अगले में फर्स्ट ओवरटोन में कितना पड़ेगा डेढ़, डेढ़ मतलब थर्ड हार्मोनिक, फिर ढाई लूप यानी कितना फिफ्थ हार्मोनिक, तो एकदम रॉड फिक्स्ड एट वन एंड की तरह है, एकदम वही चीज़ याद करना है। तो इसे मैं और लिखने नहीं जा रहा हूँ। तीसरा भी देख लेते हैं, इसे मैं, इसे हम लोग कैविटी बोलते हैं। कैविटी मतलब क्या हो गया, बोथ साइड क्लोज्ड, यानी बोथ साइड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को हम कैविटी बोलते हैं, बोथ साइड क्लोज्ड, ठीक है। तो बोथ साइड क्लोज्ड में क्या होता है, देखो ये मान लो क्लोज्ड एंड है नोड बनेगा, ये भी क्लोज्ड एंड है नोड बनेगा, एक एंटी नोड आना ही चाहिए, देखो ये आ जाएगा, ये डिस्टेंस, ये लेंथ कितना होता है बेटा लेमडा बाई 2 बराबर एल, तो लेमडा कितना हो गया 2L। बस जैसे ही एक लूप बना, ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट, फंडामेंटल कितना हो जाएगा V बाई 2L। तो यानी कि अगर फंडामेंटल मोड में एक लूप बन रहा है तो फंडामेंटल मोड में अगर एक लूप बन रहा है तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वी बाई 2L, अगर फंडामेंटल मोड में आधा लूप बन रहा है तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वी बाई 4L, और अगर एक लूप बन रहा है तो सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट, आधा लूप बन रहा है तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे। ये कैसा होगा बेटा, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स की तरह। अच्छा, इसमें तो हर चीज़ आइडेंटिकल हो जाएगी स्ट्रिंग की तरह, ओपन ऑर्गन पाइप में क्या था, बस नोड और एंटी नोड बराबर नहीं होंगे, ठीक है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है बेटा। अब मैं कह सकता हूं कि कम से कम एटलीस्ट ऑर्गन पाइप वाले क्वेश्चन या स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन जो आते हैं जिसमें ओवरटोन और फ्रिक्वेंसी वगैरह की बात करता है, वो क्वेश्चन सब आपसे हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एक और वीडियो बनाऊंगा। अगले वीडियो में मैं रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट और कुछ और जो बीट्स वगैरह है उसकी बात कर लूँगा, ठीक है। आज वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।